हेलो एंड वेलकम है दोस्तों, आप सब लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम फिर से करने वाले हैं एक यूनिक अनबॉक्सिंग, और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं बाइक के एक मॉडल को जो कि है डुकाटी पिंगाले 1199। दोस्तों बड़ी ही कमाल की बाइक है, काफी सारे मॉडल इस बाइक में आते हैं। जो प्राइसिंग है वो डिपेंड करता है 14-15 लाख है, 20 लाख है, पर ये तो एक मॉडल है, इसकी प्राइसिंग तो 700 कुछ रुपीज़ है। तो जिनको भी ये बाइक से बड़ा प्यार है वो इंस्पिरेशन के तौर पर इसे खरीद सकते हैं। ये ऑफिशियली लाइसेंस्ड प्रोडक्ट है मेस्ट्रो की तरफ से, स्केल जो है 112 का यहाँ पर है। दोस्तों इसके अंदर स्केल डिफरेंट भी आते हैं, छोटी बड़ी भी आती है, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। पैकिंग कुछ इस तरह की मिलती है हमें, यहां पर आप देख सकते हैं मेस्ट्रो लिखा गया है, डुकाटी पिंगाले जो है 1199 यहां पर लिखा गया है, और यहां पे आप देख सकते हैं रेड कलर में मैंने इसको ऑर्डर किया है। बहुत कमाल की दोस्तों ये लग रही है, और इंस्पिरेशन मिलती है यार इस तरह की चीजों को देख के। यहां पे सारी चीजें डिटेलिंग बताई गई है, खैर बहुत महंगी है वैसे तो नहीं परचेज कर सकते, कम से कम रख के देख के खुश तो हो सकते हैं हम। तो यहां पे आप देख सकते हैं, तो नीचे यहां पे सारे जो ऑफिशियल इनके प्रोडक्ट आते हैं, होंडा का हो गया, चाहे केटीएम हो गया, यामा हो गया, सबके ऑफिशियल बनाती है मेस्ट्रो। तो पूरी तरह से डिटेलिंग को कैप्चर करने की कोशिश की जाती है कि जैसे तरह की बाइक लगती है वैसी एक्चुअल में मॉडल में लगे। तो यहां पर कुछ इस तरह की पैकिंग मिलती है। माय गॉड दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता कि रियलिटी में ना ये मॉडल कितना ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। प्लास्टिक बॉडी है, जस्ट टैंक जो है वो मेटल का है, पर उसके बावजूद जो डिटेलिंग देने की कोशिश की गई है ना वो बहुत ज्यादा कमाल की है। माय गॉड, डुकाटी पिंगाले 1199 आज आ गई हमारे घर में। दोस्तों मेरे पास वैसे सुपर कार के भी काफी सारे स्केल मॉडल्स हैं जो मैंने कलेक्ट किए हुए हैं, पर फर्स्ट टाइम मैंने इस सुपर बाइक मॉडल को खरीदा है, और दोस्तों मैं अमेज हूँ इसकी क्वालिटी को देख के। माय गॉड, ये बाइक वैसे मुझे बहुत अच्छी लगी है, सारी सुपर बाइक अच्छी लगती है यार, कितनी कूल होती है वो, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि महंगी होती है। मैं आपको डिटेलिंग दिखाता हूँ यहाँ पर दोस्तों, के जो टायर्स हैं वो ना तो ज्यादा हार्ड है रबड़ से बने हैं, ना ज्यादा सॉफ्ट हैं, और काफी अच्छे तरीके से डिटेलिंग देने की कोशिश की गई है। और जो यहाँ पे बात करें डिस्क ब्रेक जो लगे हैं, पूरी तरह से प्लास्टिक है, जस्ट पेंट किया गया है, पर फिर भी जो डिटेलिंग है वो अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बच्चों वाला बिल्कुल खिलौना है, थोड़ा सा डिटेलिंग अच्छे तरीके से देने की कोशिश यहां पर की गई है। यहां पे 1199 पिंगाले यहां पे लिखा गया है दोस्तों, और छोटा होने के बावजूद भी नजर आता है बाइक पर जब लग रखी होती है, तो डिटेलिंग सही है। यहां पे डुकाटी आगे की तरफ छोटा सा लिखा गया आप देख सकते हैं, और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो लाइट के पास भी यहां पे डुकाटी को मेंशन किया गया है, जो कि आप जो बाइक होती है उसमें भी देखने को मिलेगा। ऊपर वाइजर आप देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से कलर भी कर सकते हैं तो और अट्रैक्टिव लगेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो लाइट्स हैं यहां पे प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, ब्रेक व्रेक नहीं दबती है, कुछ ऐसा नहीं होता है, जस्ट मॉडल है, तो इसको आप घुमा सकते हैं बस ऐसे, आपकी जो बाइक का हैंडल है वो मूवमेंट करता है इस टाइप से। तो चलो ये भी चीज अच्छी है कि थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। और यहां पर आप ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये मेटल का है, जस्ट यही चीज मेटल की है, बाकी जितना भी बॉडी वर्क है इसका वो आई थिंक प्लास्टिक का है, पर ये जो टैंक है काफी अच्छा लगता है यहां पर। आई होप कि सारी बाइक मेटल की होती तो और भी अच्छी लगती। और यहां पर मैं आपको ये चीज दिखा दूं, डुकाटी भी छोटा छोटा था यहां पर लिखा गया है, जिससे कि यहां पर जो है काफी अच्छा लगता है। ऊपर टैंक ये आप देख सकते हैं, यहां पर भी यहां चाबी लगती है, उसको डिटेलिंग देने की कोशिश की है, काफी बढ़िया लग रहा है। प्लास्टिक है ये एरिया भी, और सीट जो है ये भी प्लास्टिक की है, पर यहां पर लेदराइज फिनिश देने की कोशिश की गई है। उसके पीछे यहां पर कोई नहीं बैठ सकता है, आई होप कि जब नई जो बाइक आती है उसको आप यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं कोई सीट वगैरह से, तो वो अलग बात है, पर यहां पे ये चीज को नहीं किया गया है। तो खैर यहां पर एक ही राइडर यहां पर बैठ सकता है। और इंजन की, और यहां पे दोस्तों मैं यहां पे सस्पेंशन की बात करूं, तो यहां पे दोनों का गोल्ड कलर काफी अच्छा लग रहा है, और एग्जॉस्ट के लिए भी यहां पे जगह बनाई गई है, बहुत ही कूल लुक आ रही है। सिल्वर वाली जो लुक दी है इन्होंने इंजन को, एक तरह से बिल्कुल अच्छे तरीके से डिफाइन कर रही है इसके इंजन को, यहां पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और पीछे की बात करें तो यहां पे एक चीज से मैं डिसअपॉइंट हूं, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा ना लाइटिंग के लिए थोड़ा सा यहां पे देना चाहिए था, पर इन्होंने पेंट कर दिया यहां पे पीछे की लाइट को, जो इतनी ज्यादा अच्छी लुक नहीं दे रही है, पर ऑल ओवर ओके है। टायर की बात करें तो ये भी काफी कूल लुक दे रहा है, जैसे रियलिस्टिक टायर होता है किसी स्पोर्ट्स बाइक का। पीछे की तरफ से ये मेरे को डुकाटी डेवलो, शायद वही नाम है उस बाइक का, उसकी याद दिला रहा है। यहाँ पे जो यहाँ चैन है इसको, ये मूवमेंट नहीं करती है, जस्ट प्लास्टिक है, सिल्वर कलर से इसको पेंट किया गया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी छोटी छोटी डिटेलिंग जो इस बाइक के अंदर आती है पिंगाले में, उसको देने की यहाँ पे गोल्ड उसमें कोशिश की गई है। स्टैंड भी है हमारे पास, जो आपको खड़ा करना चाहते हैं तो इस टाइप से थोड़ी सी झुक के खड़ी होती है ये, जो कि रखी हुई काफी ज्यादा अच्छी लगती है, काफी कूल लुक देती है बाइक को। तो ये भी अच्छा है कि इन्होंने स्टैंड दिया साथ में। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेस्ट्रो की ब्रांडिंग वगैरह की गई है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है खास, जस्ट नॉर्मल है। यहाँ पे छोटा छोटा डुकाटी लिखा गया अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो असली बाइक में भी ये डिटेलिंग होती है, जिनको कि मॉडल में इन्होंने देने की कोशिश की है काफी अच्छे तरीके से। माइक और जो पीछे की तरफ से लुक आता है ना बाइक का इस मॉडल का, वो बड़ा ही जबरदस्त आता है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। मूवमेंट व्हील की काफी अच्छी है, दोनों को जब आप मूव करते हैं तो काफी बढ़िया तरीके से मूव होता है, किसी तरह का मतलब क्या कहें कि मतलब ठीक ही चलती होगी यार, चला के तो देख नहीं सकते अब हम। तो खैर दोस्तों मुझे तो ये बाइक का मॉडल बहुत पसंद आया है, और ये बाइक भी बहुत अच्छी लग रही है मेरी डेस्क पर। तो अगर आप भी इस तरह का कुछ कूल सा गैजेट लेना चाहते हैं जो आपकी डेस्क पे अच्छा लगे, या फिर आपको बाइक से सुपर बाइक से बहुत प्यार है और आपकी कोई बाइक इंस्पिरेशन है, आप चाहते हैं कि वो कभी आप लें, तो आप इनको खरीद सकते हैं। काफी सारे मॉडल्स इसके आते हैं मेरे पास ऑलरेडी, कार्स के भी काफी, सुपर कार के भी काफी सारे मॉडल्स हैं। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप उन्हें देखना चाहते हैं। थोड़े से गंदे हो गए हैं पर मैंने साफ करके दिखा दूंगा आपको मेरा कलेक्शन। तो खैर दोस्तों ऑल ओवर इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खरीदना चाहते हैं तो वहां से खरीद सकते हैं। इसका जो प्राइसिंग है 700 रुपीज कुछ है, और ये जो स्केल
सेल है 1 to 12 का है, मैंने आपको बताया, जैसा कि छोटे भी आते हैं बड़े भी आते हैं, तो आप जाके वहां से वैसा परचेज कर सकते हैं जैसा कि आपको ठीक लगे। पर फिर भी दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 to 12 वाला स्केल ही लें, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है, उसके अंदर जो डिटेलिंग है वो भी कमाल की है। क्योंकि अगर जब स्केल छोटा हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो डिटेलिंग इतनी अच्छी नहीं रहती है, तो ये वाला जो साइज है काफी ज्यादा परफेक्ट रहेगा। तो मैं कहूंगा कि आपको यही वाला साइज के साथ आप जाएं, छोटे वाले थोड़े सस्ते हो सकते हैं बट उसके लिए ना जाइएगा। तो इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको जाकर परचेज कर सकते हैं। तो खैर दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज की वीडियो खैर यहीं तक थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की और वीडियोस के लिए, शेयर करें। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो खैर दोस्तों फिर जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।